नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर से करौली से भाई, जहां बरगवा पुलिस पहरा में आधा दर्जन से अधिक भूमाफियन के कब्जा में बुलडोजर चलाए के 4 करोड़ रुपया के बेसकीमती जमीन का खाली कराए लेनगा। ये कार्रवाई में ही 22 कमरा के साथ कई एक दुकानन का निस्ते नाबूद कर देनगा। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, SP वीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में ही जिला में ही भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलावा जा रहा है। देखिए अतिक्रमण के कार्रवाई। इसमें जो भी राजशासन की प्राथमिकताएं होती हैं और उनके जो निर्देश हैं पूरी तरीके से उनके अनुरूप जो कार्रवाई जिले में की जाती है, और यहाँ सभी जो अधिकारी हैं उनको भी जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं वो उनमें निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता। तो इस कारण इसी तारतम्य में जो यहाँ भूमाफिया है उस पर सभी जो हमारे अनुविभाग हैं उसमें अच्छे स्तर पर कार्रवाइयां हुई हैं। सिगरौली के सरई तहसील के गांव गजरिया में किसान शिवशंकर कुशवाहा के फसल मागी लग गए। वहां नियरिन खरिहानी में चना, जौ, सरसों के साथ है गेहूं के लाखन रुपया के फसल जल के खाक हो गए। किसान शिवशंकर कुशवाहा कहें कि अगर फायर ब्रिगेड मौका मिल जात तो शायद आगी जल्दी बुझ जात और बर्बाद हुए से बच जाते। वहीं अब किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद खातिर गुहार लगाई हुए। गन्ने के निवासी हूँ मैं, मेरा जीवन यापन पूरा खेती पर निर्धारित है। हमारा खरिहान में और फसल में आग लगी, जिसमें वो गेहूँ, जौ और राई और चना। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारी जो फसल लगभग लाखों की हुई है, इसलिए मतलब हमारी मुआवजा के तौर पर दिलवाने का कष्ट करें। सिगरौली जिला के कोतवाली थाना के क्षेत्र में गनियारी में भाई महिला के आगजनी से हत्या के मामला में ही खुलासा कई के पुलिस आरोपी जीजा कृष्ण कुमार का गिरफ्तार करे में कामयाबी हासिल करी नहीं। भाई अपना बताई दी कि अधीक्षक वीरेंद्र सिंह मामले को खुलासा कई के बताई कि आरोपी कृष्ण कुमार यादव अतिथि शिक्षक रहा, साथ ही सिगरौली में एक होटल में वेटरों के काम करत रहा। जब अपनी पत्नी और साली के साथ किराए के मकान में रहते रहे, जब उनकर बीवी मायके से आई तो अपने साली प्रीति के अकेलेपन का फायदा उठाए के उनके साथ जबरदस्ती करें। वहीं घटना के बाद दोनों का विवाद भा, कृष्ण कुमार के भंडा ना फूट जाए के डर से वो अपने साली के हत्या कई दहीन और ओका आत्महत्या का बनावे खातिर केरोसिन डाल के गैस सिलेंडर खोल के आगे लगाए दिन, साथ ही फरार हो गए। अपने बताए दी कि गिरफ्तार होए के बाद युवक अपन जुर्म कबूल कर ली नहीं। भंडे डाल के माध्यम से सूचना मिली कि गनियारी में एक हरिशंकर शाह है, उनके मकान में एक यादव है कृष्ण कुमार यादव, किराए में रहते हैं, उस कमरे में आग लग गई है जिसके कारण एक अंदर लड़की कोई जल करके खत्म हो गई है। इस सूचना पर मैं और TI साहब और पूरा स्टाफ बैठन का वहाँ पहुंचे, घटना को देखा गया। प्रथम दृष्टया देखने में वो घटना लग रही थी कि या तो शॉर्ट सर्किट से हुई है या मिट्टी का तेल वगैरह कुछ इन्हीं कारणों से हुई है, और आगजनी जैसी घटना ही दिख रही थी। सवेरा होने के पश्चात उसमें सब परिजनों को सूचना दी गई, बुलाया गया, और जब पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें निकल करके ये आया कि इसकी पहले गर्दन काटी गई है, गर्दन काट के हत्या की गई है लड़की, उस लड़की का नाम प्रीति यादव था और ये कृष्ण कुमार यादव की साली, बड़ी साली, गर्दन काट कर हत्या की गई। फिर साक्ष छिपाने के हिसाब से इसके शव को जलाया गया। रीवा के सिरमौर में 376 के आरोपी कृष्णदेव सिंह के अलीशान मकान में प्रशासन के बुलडोजर चल चुका है। अपना बताई दे कि सिरमौर अब अपराधी और भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और यही क्रम में ही बलात्कार के फरार आरोपी कृष्णदेव सिंह पिता बलभद्र सिंह वार्ड क्रमांक 8 सिरमौर के अलीशान मकान और उनके व्यावसायिक दुकान में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प JCB से कार्रवाई कई के उनके मकान और दुकानन का जमीन दोज कई दिन ही बैठ की तरफ से निर्देश है। उसी क्रम में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिले में इस तरह के बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है कि जिन्होंने महिला संबंधी अपराध किया हो या माफियागिरी की हो या इस तरह से जो पैसा कमाया है अपराध कर करके, उनकी संपत्ति को तहस नहस करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जैसा कि आपने अभी 28 तारीख की जो सीताराम के द्वारा जो बलात्कारी घटना में आरोपी थे, जिसमें एक विनोद पांडे था, खुद सीताराम बाबा थे, और उनकी जो संपत्ति थी गुड़ के बुड़वा में,
और इसी तरह से नईगढ़ी थाना क्षेत्र के घोड़ी में उन दोनों संपत्तियों को, उन दोनों घरों को कल नस्तनाबूद कर दिया गया है। रीवा नगर निगम के बगल में सालन से परा बदहाल पार्क अब कबाड़ के चीजन से नया रूप लेतला हवे। अपने बता दें कि 3 आर्ट कॉन्सेप्ट के आधार में ही ये पार्क में ऐसा चीजन से सजावा और सवारा जाला हवे जिनका लोग कबाड़ मान के फेंक दे थमा। ये कबाड़ के चीजन से बना यह पार्क सहजय हर केहू का अपने का आकर्षित करत हवे। अच्छी खबर यही बे कि अब यह पार्क आम जन खातिर जल्द दिन शुरू कर दी जाये। स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर नगर निगम रीवा ने नगर निगम के पीछे जो पहले बड़ा एक खराब हालत में एक खाली जगह थी उसको 3R पार्क के रूप में डेवलप किया गया है। उसमें बेसिकली शहर में जितना भी आप देखते होंगे कि बहुत सारी रिपेयर की दुकानें हैं और उसके साथ में जो भी हमारा डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक निकलता है और ख़राब टायर निकलते हैं तो उसका स्टूडेंट्स के द्वारा एवं हमारी एक टीम के द्वारा मिलके उससे कुछ कुछ कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। उसमें आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो मेटल का वेस्ट होता है उससे काफ़ी आकर्षक स्क्रैप मटेरियल से यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स भी डेवलप किए गए हैं। रीवा माही भगवती मानव कल्याण संगठन मारपीट के शिकायत दर्ज कराई। पदाधिकारी बताएं कि संगठन के कार्यकर्ता शिवेंद्र द्विवेदी और उनके परिवार के ऊपर कुछ आरोपी प्राणघातक हमला करें जिनका रिपोर्ट सम्मान थाने में नहीं लिखी गई और सम्मान थाना प्रभारी ये मामला का ही लापरवाही से लेतला हमा। कल हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन सक्रिय कार्यकर्ता है शिवेंद्र द्विवेदी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। चूँकि भांजी के अपने ससुराल एक समझौते के तहत वो गए थे, वो लोग पहले से ही घात लगाए वहाँ बैठे हुए थे जिसके ऊपर उन्होंने कई सर पे बहुत गहरी चोटें आई हैं, उनके पूरे शरीर पे डंडे लाठी राड से वार किया गया है। इसी तहत हम लोग SP साहब से मिलने आए थे। चूँकि समान थाने के TI जो हैं वो गंभीरता इस पर नहीं ले रहे हैं इस प्रकरण पर। रीवा माही सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी अपने दर्जन भर समर्थकन का लेके दोपहर करीब 12 बजे उर्राहट के नियरे बद्रका मोटर्स के लगे पहुंचे जहां खुले वाली शराब दुकान में घुस के जम के मारपीट करी। ने दौरान विधायक के साथ है कई अठे आपराधिक हत्या जैसे आरोप में वांछित युवक शामिल रहे जिनके सहयोग से विधायक दुकान संचालक के सिर फोड़ दिए। दुकान सामान कहाँ यहाँ नहीं खुलेगी यदि जनता नहीं चाहती। जनता से बड़े शराब माफिया तुम लोग नहीं हो। जनता को धमकाओगे नहीं आके? हम किसी को धमका नहीं। क्यों धमकाए? कल गुंडे बुला के? एक भी गुंडा कोई नहीं है, धमकाया है। आप लोग गलत बात कर रहे हैं। धरने में नहीं बैठने दोगे? शराब माफिया बैठे ना, हमको तो नहीं शराब में बैठे, किसी को कोई बोलने नहीं जा रहे। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं भैया। चलो बाबा नहीं भैया, ऐसा नहीं करिए प्लीज। एक एक भैया पैसा लगा यार। अभी 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे KP त्रिपाठी जी के कहने पे और आर्या ग्रुप के कहने पे, जिनको समान नाका मिली है उनके कहने पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। और योजनाबद्ध तरीके से जो है जो कुल्हाड़ी के बेंट होते हैं 100-200 नए बेंट वो गाड़ी में रख के लाए थे। 200-250 गुंडे थे उनके पास, KP त्रिपाठी जी के पास। KP त्रिपाठी जी विधायक सिमरिया, उनके कहने पे लोग आए और उन्हीं के कहने पे उनने ही पहले हाथ उनने छोड़ा, उसके बाद इनको इशारा किया अपने गुंडों को कि आपको मारना है, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपका व्यापारिक हित प्रभावित हो रहा है, संदेह में आ रहा है। अच्छा, मेरा क्या व्यापारिक? रतहरा में दुकान खोले उसका भी विरोध होगा क्या? हो सकता है, जनता में चले थे। कहीं भी जनभावना के विपरीत यदि दुकान खुले, ऐसी दुकान बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। मैं शराब माफिया का विरोध पिछले 2 सालों से लगातार जब से मैं विधायक बना हूं करता आ रहा हूं। मेरे इसमें कोई व्यापारिक हित नहीं है। जो शराब माफिया जिनकी आप बात कर रहे हैं महोदय जी, प्रोटेक्ट जिनको कर रहे हैं उनको पूछिए, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट मत करिए, समाज के साथ खड़े हो। सर ये मामला आपके साथ मारपीट नहीं हुआ, शराब की दुकान में लोग मारने पीटने की कोशिश की गई, हमारे लोगों ने उनको रोक लिया। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखत रहे मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।